हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आपलू किचन, यानी हमारे किचन में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट जैसा परफेक्ट गुजराती खीचू कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ये जो गुजराती खीचू है वो आजकल एक स्ट्रीट फूड की तरह भी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, और ये राइस यानी चावल के आटे से ये बनाया जाता है। तो जैसा बाहर मिलता है वैसा सेम हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो आज मैं उसकी मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, और कैसी लगी वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरी चैनल आपलू किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जल्द से जल्द मेरी हर नई रेसिपी देख पाएंगे। तो खीचू बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3 कप पानी लिया है। उसके अंदर हम 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। उसके बाद मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन डाली हुई है। उसके बाद हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 हरी मिर्च जो तीखी वाली आती है उसे बारीक कट करके मैंने डाला है। इसके बाद मैंने जो खाने का सोडा आता है वो 1/4 चम्मच डाला है। लास्ट में हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद हम ये जो पानी है, मसाले वाला पानी, उसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। अच्छी तरह से उबाल आ जाए उसके बाद हम जिस माप से मैंने पानी लिया था उसी नाप से मैंने 1 कप चावल का आटा लिया हुआ है, तो वो हम धीरे धीरे डालेंगे, और जो रोटी बेलने का बेलन आता है उससे हम चलाते जाएंगे। ये जो ट्रेडिशनली जो ये खीचू होता है उसे बेलन की हेल्प से ही इसे मिलाया जाता है ताकि उसमें गट्ठे ना पड़ जाएं। तो इसे हमें अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूस बेलन की मदद से चलाते रहना है, और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम एकदम ही लो कर देनी है, और एकदम धीमी आंच पे हमें इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है। 3 से 4 मिनट के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा खीचू एकदम मार्केट जैसा बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में ले लेंगे, और इसके अंदर आप ऊपर थोड़ा हमें तेल डालना है, 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। जो खीचू होता है उसके साथ जो सिंग तेल अगर हम डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, पर अगर आपके पास सिंग तेल नहीं है तो आप कैनोला ऑयल या राइस ब्रैन, सनफ्लावर ऑयल, जो भी यूज़ करते हो वो आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट में हमें उसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर या तो फिर अचार का जो मसाला आता है वो डालना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मार्केट जैसा परफेक्ट खीचू बन के तैयार है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना, और मेरी चैनल आपलू किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।